Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आदाब, शस्त्रियकार। खबर उत्तर प्रदेश से, खबर बागियों की धरती बलिया से, जहां कैदियों में कोरोना पाया गया है। बलिया में 227 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बलिया जिला जेल में पहले 48 घंटे के अंदर 160 कैदियों में कोरोना पाया गया। हालांकि इसके बाद कैदियों की कोरोना टेस्टिंग की गई तो आदादोशुमार सिर हिलाने लगे। संख्या बढ़कर 227 हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, नए नए मामलों की पुष्टि हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिला जेल में कोरोना वायरस से 200 से ज्यादा कैदी पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। बलिया जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव कैदी मिलने के अलावा एक स्टाफ भी कोरोना वायरस की जद में आ गया है। दरअसल यहां रैंडम चेकिंग में 16 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़ती हुई देखी गई। जिला प्रशासन ने प्रत्येक कैदी का टेस्ट करवाया, जिसमें अभी तक कुल 227 कैदी और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेल में अब तक कुल 817 एंटीजन टेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद जेल में 3 बैरकों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के जरिए पॉजिटिव मिले कैदियों को गर्म पानी, काढ़ा, दवाएं दी जा रही है। बलिया जिला जेल में कुल कैदियों की संख्या 800 से अधिक है। इसके अलावा झांसी जिला जेल में भी कोरोना पॉजिटिव कैदी पाए गए हैं। झांसी जिला जेल में अब तक कुल 207 कैदियों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसके अलावा 3 स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यहां कुल 1109 एंटीजन टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 13 लाख से ज्यादा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 58,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं अच्छी खबर यह है कि 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। तो ये थी कैदियों में फैले कोरोना वायरस की जानकारी। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। और निष्पक्ष, बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हां, सब्सक्रिप्शन के बगल में घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो आने पर बिना देरी आपको मैसेज मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।